दोस्तों क्या होगा अगर 1990 में बनी पुरानी फुटबॉल और 2021 में बनी नई फुटबॉल को हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाए? क्या हाइड्रोलिक प्रेस नई और पुरानी फुटबॉल को तोड़ पाएगी? सबसे पहले तो हम 2021 में बनी नई फुटबॉल को हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर देखते हैं। और जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन उस नई फुटबॉल पर पड़ता है तो वह धीरे धीरे दबने लगती है और लगभग 535 किलो वजन पड़ने के बाद उसकी हवा निकल जाती है। और अब बारी आती है 1990 में बनी पुरानी फुटबॉल की। उससे पहले आप लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पुरानी फुटबॉल को हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाता है, लेकिन पुरानी फुटबॉल तो नई फुटबॉल से मजबूत होती है। वो लगभग 785 किलो वजन पड़ने के बाद उस पुरानी फुटबॉल की भी हवा निकल जाती है।